सैमसंग ने फाइनली लॉन्च कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 और साथ ही बहुत ज़्यादा कंपैरिजन चल रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब A6 लाइट का। तो आज ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, हम करेंगे दोनों में अब यहाँ पे सैमसंग ने टैब A7 और S6 लाइट को इकट्ठे ही लॉन्च किया है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन फिर भी बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि जो प्राइस रेंज है वो बिल्कुल ही पास पास ही है और दोनों ही सैमसंग की तरफ से हैं, तो कौन सा बाय करना चाहिए। अब यहाँ पे पहले रैम के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे A7 में मिल रही है 3GB की रैम और साथ जो इंटरनल स्टोरेज है वो है 64GB, लेकिन अगर आप लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट तो आपको वहाँ पे 4GB की रैम मिल रही है और साथ जो इंटरनल स्टोरेज है वो है 128GB। अब यहाँ पे दोनों में और भी वेरिएंट्स हैं, लेकिन जो इनकी जो इंटरनल स्टोरेज है उसी में डिफरेंस है, बाकी जो रैम है वो सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल के बारे में बात करें तो दोनों साइड्स पे दोनों टैब्स में एक ही जैसे कैमराज हैं, फ्रंट और बैक साइड पर सिंगल कैमराज का साइज, लेकिन यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 में फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का और जो बैक कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, और S6 लाइट में भी एज इट इज़ सेम ही है, वहाँ पे 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और बैक साइड पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो अब यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ही चीज़ें सेम है। अगर आप ओवरऑल लुक के बारे में बात करें तो तब भी दोनों बिल्कुल सेम है, मतलब थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। फ्रंट साइड पे बैक साइड पे सिंगल कैमराज का सेटअप और यहाँ पे जो स्क्रीन है वो दोनों की बिल्कुल सिंपल है। तो अब यहाँ पे बात है कि डिफरेंस है क्या। उसके अलावा अगर हम सिस्टम के बारे में बात करें तो वो भी है एंड्रॉयड 10 का सिस्टम दोनों ही टैब्स में। तो यहाँ पे फिर भी प्राइस का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 में आपको जो प्राइस देनी होगी वो होगी $240, लेकिन S6 लाइट की जो प्राइस है वो है $380। तो यहाँ पे जो मेन मैकेनिज्म है वो है इनके प्रोसेसर का। अब जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 में जो प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है वो है स्नैपड्रैगन 662, लेकिन अगर आप लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट तो आपको जो प्रोसेसर प्रोवाइड किया जा रहा है वो है एग्जानोस 9611। जी हाँ, यहाँ पे S6 लाइट में आपको प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है, वो बेस्ड है 10 नैनोमीटर्स पे, लेकिन यहाँ पे जो आपको A7 में प्रोसेसर देखने को मिल रहा है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कम हो गई। अब यहाँ पे रैम और प्रोसेसर का ही सिर्फ डिफरेंस है, बाकी फ्रंट कैमरा बैक कैमरा लुक और इंटरनल फीचर्स बिल्कुल सेम है। हाँ, एक और बहुत बड़ा डिफरेंस वो ये है कि सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 में आपको कोई स्टाइलस का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट में आपको स्टाइलस का भी ऑप्शन मिल रहा है, यानी एस पेन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो वो भी दोनों में सेम है, दोनों में आपको 7100mAh की बैटरी देखने को मिल रही है और दोनों में ही फास्ट चार्जर्स हैं, तो यहाँ पे भी सेम है। अब यहाँ पे अगर मेरी पर्सनल रिव्यू के बारे में बात करें तो दोनों टैब्स में हर कुछ सेम है, सिर्फ रैम और प्रोसेसर का डिफरेंस है, और या अगर फीचर्स के बारे में बात करें तो मेन स्टाइलस का भी डिफरेंस है। तो ये 3 डिफरेंस हैं, बाकी बिल्कुल सेम है, लुक वाइज भी सेम है। तो अगर आपने बाय करना है गेमिंग के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सैमसंग S6 लाइट बाय करें, लेकिन अगर आपने वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए लेना है या सोशल यूज़ के लिए तो आप सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 को बाय करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको वहाँ पे ज़्यादा प्राइस भी नहीं पे करनी पड़ेगी और आपके लिए फ़ीचर्स भी वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब यहाँ पे अगर वैसे देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन और फीचर्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्राइस भी ज़्यादा ही पे करनी पड़ रही है, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे $130 ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूं। और अगर आपने दोनों में से कोई भी बाय करना है तो आपको सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 की वीडियो यहां पे मिल जाएगी और आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर रीड कर लें, जो भी आपने टैब बाय करना है वहां से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो भी आपने टैब बाय करना है उसके बारे में। Thank you.